सबको और कैसे आप सब जी ब्लॉग करते हैं शुरू आज का। और जी हमने टेक्निक ढूंढ लिया है मोबाइल हीटअप ना हो जैसे, तो मैंने रात को जब मैंने वीडियो एडिटिंग करी और वो जब सेव हो रही थी गैलरी में तब होता था मोबाइल हीट ना, तो मैंने ठा के क्या करा मोबाइल पता कहाँ रख दिया गाइज, यहाँ फ्रिज में रख दिया, यहाँ इसके ऊपर। सही बताऊँ जैसे मतलब मोबाइल जब हीट शुरू हो रहा था ना तभी मैंने रख दिया था और बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ। और पता है जब मोबाइल पूरा मतलब जैसे मैंने वो करी स्टार्ट सेव होनी गैलरी में है थोड़ी देर हुई तो एकदम गर्म हो गया धीरे धीरे नीचे से ना दबा के, फिर मैंने रख दिया फ्रिज में। फिर जाके अपना मोबाइल मैंने बीच बीच में खोलता रहा जैसे, तो देखा नीचे से सही था, गर्म हुआ ही नहीं ठंडा ही रहा। मैं कहा चलो ये टेक्निक आजमा के देखते हैं भाई, थोड़ी सी अगर काम कर जाती है तो ठीक है, वरना फिर कुछ करेंगे हल निकाल लेंगे, वरना इसे बेचे बुचेंगे और कुछ नहीं कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और जी फिर आज बना रहे हम आलू वाले परौंठे, तो जी पिट्ठी हमने तैयार कर दी है, मतलब इसमें मसाले मिक्स करने रहेंगे हमारे, तो कर लेते हैं फटाफट फिर खाएंगे आज परौंठे दही के साथ। तो गाइस पसीनों पसीन हो गए पूरे और नाश्ता हो गया जी, खाली पेट डकार आ रहे हैं पता नहीं। तो एक हमने बना ली है तंदूर वाली, ये तवे पे हमने रोटी को पानी लगा के धर दिया था, फिर सेक ली, बाद में टेस्ट करते हैं। माता जी तो पसंद नहीं आई, माता को माता कह रही मुझे तो सादी अच्छी लगी। देखो बहुत सारा डिफरेंट टेस्ट, तो ये देखते हैं तवे वाली, तवे वाली ज़्यादा स्वाद लगी। चलो मिलते हैं फिर हम आपको नाश्ते के बाद। इसे 2 बज गए और नाश्ता वगैरह हमारा डन हो चुका था, और कल तो हमने करेले बनाए नहीं तो आज हम इसे बनाएंगे, तो अभी इसे हम कर रहे हैं फ्राई। पौने 5 हो चुके हैं और हम नहा के हो गए थे रेडी, और जी करेले भी तल दिए थे हमने, और जी सुबह बनाए थे आलू के पराठे। तो आज जैसे कि अमावस्या है तो हमने शनिदेव वाले पंडित जी आते हैं ना शनिवार को जैसे, तो अमावस्या पे भी वही आते हैं, तो उन्हें हमने कहा था खाना खा लो, बट वो कह रहे हैं मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, 12:30 बजे की बात है, पर वो फिर आए नहीं लगता, भूल गए आगे चले गए, उन्होंने कहा था पैक कर देना, मैंने कहा चलो पैक कर देंगे, तो वो तो आए नहीं। तो अब हम इन्हें फिर जहाँ मंदिर जाते हैं ना कुलियों वाले स्टेशन के जो पास है, फिर वहाँ पंडित जी को दे आते हैं, तो चलते हैं फिर मंदिर। तो गाइस खाना दे चुके हैं हम, अभी वहाँ रखा है, अभी जल भी चढ़ा दिया हमने, हर हर महादेव हर हर महादेव। अभी पंडित जी कह रहे हैं अभी खा लूँगा मैं, अभी रुक के चलते हैं फिर श्री राधेश। चलो जी ओए ओए अब चलते हैं मासी के घर, मासी को हमने अरबी दे रखी है काटने के लिए, क्योंकि मेरे से छिल तो मैं लेता हूँ लेकिन लंबी लंबी कटती नहीं, सूखी बनानी थी, कल दे के आया था मैं, तो वो वहाँ से पिक कर लेते हैं मासी के घर से। अरबी अरबी ले ली हमने, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जीजा ने कट्टी अरबी बारीक बारीक लंबी लंबी, नहीं 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 धन्यवाद। अच्छा आज मुझे याद ही नहीं था अरबी दी हुई इधर कल, हाँ मैं तो करेले कर दिए थे, अब करेले तल तल के रख दिए, लेकिन बनाएंगे सुबह वरना हमारे तो निपटेंगे 2 मिनट में, तो हम थोड़ी सी हमारी वो पड़ी थी उस दिन की लोबिया, मैंने एक्स्ट्रा बची हुई थी ना थोड़ी, अब वो बना दूंगा, अभी बनाई नहीं, अभी भिगो रखी थोड़ी सी और भिगोई, मैं कहा चलो रात को इसका काम करेंगे साथ में फिर अरबी खा लेंगे। हाँ जी अच्छा, हाँ जी बुला रहे वो, हाँ चलो फिर चलेंगे घर। फिर अब मुझे वहाँ जाना है शर्ट ऑल्टर कराने देने जानी है, वो दिन जो आई नहीं थी वो, हाँ तो भाई मैं मंदिर दे के आया पंडित जी को, और घर जैसे ही मैं निकला माता का फोन आया उधर जब मैं मस्ती करता, तो पंडित जी भी आ गए थे हैं, तो फिर अब दे दिया उन्होंने भी, अब पराठे तो वहाँ चल वहाँ दे दिया, चलो जिसके जहाँ मतलब जिन्होंने खाने थे वहाँ पहुँच गए वो, बाकी फिर हमने पंडित जी को बिस्कुट और दक्षिणा वगैरह दे दिया। हाँ वही तो मैं कहूँ, उन्होंने कहा था आधे घंटे तक आ जाऊंगा मैं, अब बट वो 5:30 हो गए, देखो अब तो 5 बजे तू निकला ही है, अच्छा तभी आ गए, मैं गया था इधर से, मैं ना इधर ये कालू की दुकान पे खड़ा था ना एक्टिवा, तो मैं इधर से ही ऐसे, अगर इधर होता तो, हाँ अगर मैं इधर से जाता तो मिल जाते वो। अच्छा क्या कह रहे, कोई नहीं पापा गए थे मैं, अच्छा चल ठीक है, लो शर्ट भी दो मैं देख के आऊँ, पूछ के आऊँ मास्टर जी से, शर्ट बढ़िया अपनी ऑल्टर हो जाएगी नीचे से, क्योंकि वो लंबी थी जो उस दिन आई थी ग्रे वाली, ये वाली कहाँ गई,
ये वाली गाइस, तो चलते हैं। हाँ नहीं कहा तो था उन्होंने मैं जरूर आऊंगा, पर वही है ना 5 बज गए थे, हमें था कि पता नहीं चले ना गए, भूल ना गए। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, ऐ शर्ट और इसे ऑल्टर करना है, चेक करो जरा, हो जाएगी ये दूसरी आए, वी शेप नहीं है, मतलब दूसरी आए, खोलना एक मिनट। अच्छा शेप से कुछ नहीं होता, वही कट नहीं है ना, यहाँ पे यू शेप नहीं है ना, ये दूसरी है, प्लेन है, सिंपल। देखो ये भी आपने करी थी तो मैं ये नाप ले आया, एक पिछली ये आपने हरी करी थी ना एक, ये वाली, इसका साइज देख लो लंबाई, और फिर ये सेम हो जाएगी ना साइड में से, ऐसे कट पड़ जाएगा ना फिर, ये तो मारोगे ही क्यों यार, ये तो मारना तभी तो बढ़िया लगेगी जचेगी, तो ऐसे तो फिर बेकार लगेगी। राउंड में कर देंगे, राउंड में बढ़िया नहीं लगने की है, जैसी है राउंड में बढ़िया नहीं लगने की है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले एक बार लंबाई तो देख लो मैच कर रही है नहीं इसकी। देखो शर्ट भी दिया है हम ऑल्टरेशन के लिए, और उसकी लेंथ हमने रखवाई है 27, इसकी थी 26.5 ये वाली की, बट इसकी ना मतलब बटन ना बिल्कुल एंड पे है, तो अब जो हमने रखवाई है उसका थोड़ा और लंबाई हो जाएगी। और शेप मास्टर जी कह रहे कि साइड में जैसे उसमें था ना कट, ये तो यू शेप है ग्रीन वाली, उसमें साइड में थे कट, तो वो नहीं लगेगा, अब कट के भी ना मजा नहीं आया, कट नहीं लगेगा ना, वो कह रहे या तो ऐसी गोलाई बंद हो जाएगी, अब वो कह रहे कट, क्योंकि ना दोबारा फिनिशिंग नहीं आएगी, अगर वो उधेड़ना पड़ेगा उन्हें सीन वहां से, ये चक्कर है थोड़ा, तो मैं उन्हें फोन करूंगा कि, कह रही थी अभी कराई कि गोलाई कराऊं या सिंपल ऐसी बंद करवा दूं। इतनी लंबी तो थी, लंबी तो बथेरी थी यार माता, थोड़ी बहुत तो बनती है, इतनी कट हो रही नीचे से, मैं इतनी लंबी पहनूंगा क्या झोला सा ऐसे, चल फिर कोई नहीं, हाँ मैं सोच रहा फिर ऐसी गुलाई रखवा दूँ उसकी। मास्टर जी को हमने फोन कर दिया, वो अपने हिसाब से देख लेंगे, हमने कहा कोशिश करना कट लगा दो या फिर गुलाई वाली शेप ही रख देना, देख लेना। और अरबी आज बहुत बढ़िया निकली, नहीं बाकी आज मासी भी तारीफ कर रही थी, मैंने पूछा ना मैं अरबी ठीक निकली, मासी कह रही आज तो एक एक दाना वधिया निकली, अज चुन के लिया के आए सी, है करेले च तां फेल हो गए सी, पक्के निकले सी, बट अरबी अरबी ठीक निकली, करेले हो गया नहीं चला। साथ हो चुके हैं और लाइट बस चुकी है, तो मैंने कहा अरबी को तड़का मार दें, तो जी हमने रिफाइंड ऑयल में ले लिया है बहुत सारी ज्वैन और जीरा, अब बस इसमें इसे तड़का मार देंगे, एक और तीन तीन चीजें बननी है, तीन तीन अरबी, करेला और लोबिया, जिसमें से करेला सुबह खाएंगे, तो बना लेते हैं जी फिर इसे। स्टार्ट बज चुके हैं और जी इधर हमने हबीबी अरबी हो चुके हैं रेडी फर्स्ट क्लास, ए और इधर करेला भी है रेडी जी, आज दूध था आज हमने दूध डाला इसमें, बढ़िया हो गया मलाई अपना सॉफ्ट हो गए करेले, और इधर रोंदी को मार रहे हैं हम तड़का, लोबिया को तड़का बुन दिया, अब बस फटाफट ऐड करके 4-5 दिन वाली सीटियाँ, फिर मिलेंगे आपको सीधा डिनर करते हुए टेस्ट बताते हुए। 10:45 हो चुके हैं और अपना डिनर आ चुका है जी, और बत्ती हमने छोटी सी लेकर रखी है क्योंकि गर्मी बहुत है और एसी ख़राब है, बड़ी ट्यूब जला के गर्मी और लगती है, तो करते हैं जी फिर टेस्ट। इसमें हमने अरबी में डाल लिया ऊपर नींबू, ऐ माता जी का आइडिया सी, नींबू इसमें बहुत बढ़िया लगता है, पहले भी हम डालते थे, आज माता जी ने याद दिलाया कि नींबू डाल, चटाका लोबिया भी बढ़िया बना और अरबी तो है ही बढ़िया चटाकेदार मसालेदार, कलर से यार बहुत अच्छी बनी, तो थैंक यू, तो कर लेते हैं फिर हम अपना डिनर और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बाय बाय, राम राम।